ओम शांति। दिवाली पर एक बहुत सिग्निफिकेंट बात जो है कि सभी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो नए अकाउंट बुक्स शुरू करते हैं उस दिन। पुरानी अकाउंट बुक्स क्लोज होती हैं, नई अकाउंट बुक्स शुरू होती हैं और उस नई अकाउंट बुक जिसको चोपड़ी कहते हैं उसकी पूजा होती है, उस पर स्वास्तिक ड्रॉ किया जाता है और उस दिन एक नई बही खाता, नई अकाउंट बुक शुरू होती है। ये हमें क्या याद दिलाता है कि हम सब के एक दूसरे के साथ जो कार्मिक अकाउंट्स है, पूरे साल में किसी ने कुछ सोचा, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ व्यवहार किया, हमारा एक कार्मिक कनेक्शन बनता है। मेजॉरिटी कार्मिक अकाउंट्स बहुत प्यारे हैं, हमारे रिश्ते बहुत ब्यूटीफुल हैं, लेकिन कभी कभी कुछ आत्माओं के साथ हमारे नेगेटिव कार्मिक अकाउंट्स बन जाते हैं, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है रिश्तों में, जहाँ पुरानी बातें बहुत भारी हो जाती हैं, जहाँ व्यवहार हम मेहनत करते हैं फिर भी अच्छा नहीं हो रहा है, जहाँ एक जना मेहनत कर रहा है लेकिन दूसरा फिर भी कुछ अलग तरह से व्यवहार करता जाता है और हमारे अंदर वो दर्द हम पकड़ के रखते हैं। वी आर कनेक्टेड टू दोज सोल्स विद अ नेगेटिव एनर्जी। ये हमारा एक नेगेटिव कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो जाता है और ये नेगेटिव कार्मिक अकाउंट्स आत्मा के कार्मिक कनेक्शन बन जाते हैं। ये हमारे साथ प्रेजेंट में भी रहते हैं और जिस दिन आत्मा शरीर छोड़ेगी ये हमारे साथ आगे भी जाएंगे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम हर रोज़ ये चेकिंग करें कि मेरा हर आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट कैसा है, विच मीन्स मेरी तरफ से जाने वाली एनर्जी। दूसरों से आने वाली एनर्जी हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से जाने वाली एनर्जी कम्प्लीटली हमारी चॉइस है, हमारे कंट्रोल में है, हमारा डिसीजन है। हम दूसरे के कर्म को नहीं चेक कर सकते, लेकिन हम अपने कर्म पर पूरा अटेंशन रख सकते हैं। तो अपने कार्मिक अकाउंट्स को चेक करते हैं और आज अपने कार्मिक अकाउंट्स को बदलते हैं, चाहे कितनी भी पुरानी बात हो और चाहे कितना भी भारी कार्मिक अकाउंट हो, चाहे कितनी भी भारी वो नेगेटिव एनर्जी थी, आज नए अकाउंट बुक्स खोलने का समय है। आज नया कार्मिक अकाउंट, विच मीन्स पास्ट इज पास्ट, पुरानी बात ख़त्म हो चुकी है। तो कुछ दिनों के लिए इसका अभ्यास करें कि हर रोज़ जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप उस सोल को जिसके साथ आपका थोड़ा सा भारी कार्मिक अकाउंट है, और कैसे पता चलेगा किसके साथ हमारा नेगेटिव कार्मिक अकाउंट है, जो यहाँ बहुत रहता है और जिसके यहाँ रहने से मन में एनर्जी जो है वो अच्छी नहीं है, तो इट्स अ नेगेटिव कार्मिक अकाउंट। हमारे मन में उनके लिए अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रहे हैं, उनके व्यवहार को याद कर करके हमें बुरा लग रहा है, दीज आर नेगेटिव कार्मिक अकाउंट्स। एंड किसी के साथ तो हमने व्यवहार ही गलत कर दिया, किसी के साथ तो हमारी बातचीत बंद है, हमने उनसे बोलना ही बंद कर दिया है, बहुत भारी कार्मिक अकाउंट बन जाता है। तो इट्स टाइम टू सेटल द पास्ट, पुरानी बातों को ख़त्म करना है और नए कार्मिक अकाउंट की शुरुआत करनी है। ये जो पुराने कार्मिक अकाउंट्स हैं ये हमारे इस जीवन के भी हो सकते हैं, एंड कुछ कार्मिक अकाउंट्स तो हम पिछली बार से लेकर आए हैं। तो कुछ दिनों के लिए हर रोज़ मेडिटेशन में जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, किसी एक कार्मिक अकाउंट को ले लीजिए कि मुझे इस दिवाली ये कार्मिक अकाउंट को तो सेटल करना ही करना है। सारे इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, एक एक को लेना पड़ता है, और उस एक सोल को रोज़ इमर्ज कीजिए। 2 मिनट अपने दिन के उस आत्मा के लिए रखिए कि उसको इमर्ज कीजिए और एक बहुत प्यार से एक मैसेज दीजिए, पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर। चाहे हमें उनसे प्रॉब्लम हो रही थी या उनको हमसे प्रॉब्लम हो रही थी, है तो पास्ट का ही कार्मिक अकाउंट, तो उनको हमें ये मैसेज देना है मेडिटेशन में, ये हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट था, पुराना था, ख़त्म हो चुका है, पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर। आज से पुरानी कोई भी ठोट हमारे बीच नहीं आएगी, आज से एक नया कार्मिक अकाउंट। हम दोनों की कार्मिक एनर्जी एक दूसरे के लिए सिर्फ प्यार, रिस्पेक्ट और दुआएं, ये मैसेज भेजना है उस सोल को, बार बार भेजना है, हर रोज़ भेजना है, ताकि उनके ऊपर भी लगी हुई चोट, चाहे बहुत पुरानी हो, उसकी हीलिंग शुरू हो जाए, कर्म हमारी तरफ से भी क्लेंस हो जाए
और हमारे से इतनी दुआएं जाएं कि उनकी तरफ से भी क्लेंस हो जाए, क्योंकि अगर कोई हमें नेगेटिवली याद करता रहेगा तो वो नेगेटिव एनर्जी भी हमारे तक आती रहेगी और हमारी वजह से क्यों कोई दुखी रहे। तो हमें थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा अटेंशन देके अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज करना है और नया कार्मिक अकाउंट शुरू करना है। उसके लिए हर रोज़ एक दो मिनट उस कार्मिक अकाउंट के लिए रखें ज़रूर, और रोज़ एक मैसेज भेजें, पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर, पुरानी बात ख़त्म हो चुकी है, आज से आपका और मेरा एक नया कार्मिक अकाउंट शुरू होता है, आज से आपके और मेरे बीच सिर्फ और सिर्फ लव, रिस्पेक्ट एंड ब्लेसिंग्स की एनर्जी फ्लो हो रही है, आज से आपके और मेरे बीच एक बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल, पावरफुल कार्मिक अकाउंट शुरू हो चुका है। फोर थॉट्स, ये चार थॉट्स सिर्फ हम रोज अगर कहेंगे, वी आर सेंडिंग अ मैसेज टू द अदर सोल, तो जो उनसे आने वाली एनर्जी है उसके रिटर्न में जब हम ये प्यार वाली एनर्जी भेजेंगे तो धीरे धीरे उनके आने वाली एनर्जी क्या होती जाएगी, डाइल्यूट होती जाएगी। थोड़ा समय भी लग सकता है लेकिन डाइल्यूट ज़रूर होगी। लेकिन जब हम अपने पुराने तरीके से सोच रहे थे तो उनसे भी नेगेटिव आ रही थी, हमारे से भी नेगेटिव जा रही थी और नेगेटिव इंटेंसिफाई हो रहा था। सो लेट्स नॉट फोकस उनसे क्या आ रहा है, लेट्स फोकस ऑन आर कर्मा कि मुझसे क्या जा रहा है। तो विधि पूर्वक पुराने कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज करना है। अगर किसी ने पास्ट में हमारे साथ कुछ किया था, उसको भी एक मैसेज देकर कि वो पास्ट था, ख़त्म, आज से एक नया कार्मिक अकाउंट। तो अपनी नई अकाउंट बुक्स को खोलना है एंड नई अकाउंट बुक्स को पूजा करके खोलना है, विच मीन्स परमात्मा को याद करके डिविनिटी और प्योरिटी के साथ उस नए कार्मिक अकाउंट को शुरू करना है। कार्मिक अकाउंट्स हमारे साथ आगे जाते हैं, सो वी हैव टू टेक अ लॉट ऑफ केयर कि हमारा हर कार्मिक अकाउंट कैसा हो, क्लीन। आज मैं आत्मा शरीर छोड़ूं, मेरे साथ हर कार्मिक अकाउंट कैसा जाएगा, क्लीन एंड प्योर। कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट यहाँ ना हो जो मेरे प्रेजेंट को भी भारी करे, और ये कार्मिक अकाउंट अगर मेरे साथ आगे जाए तो मेरे फ्यूचर को भी भारी करे, और फिर जीवन में कोई ऐसी बात आए जो हम कहें मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरे साथ जो भी होता है वो मेरे कार्मिक अकाउंट का कॉन्सिक्वेंस है। तो कर्मा अपने आप के साथ, कर्मा अपनी बॉडी के साथ, कर्मा अपने लोगों के साथ एंड कर्मा इस सृष्टि के साथ, हर कार्मिक अकाउंट को नया बनाएं। अपने शरीर का प्यार से ध्यान रखें, बहुत अब्यूज़ किया है अपने शरीर को, गलत खान पान, गलत लाइफस्टाइल के साथ। अपने शरीर को एक प्यारा मैसेज दें, पास्ट इज पास्ट, आज से एक न्यू कार्मिक अकाउंट, आई विल टेक केयर ऑफ माई बॉडी विद रिस्पेक्ट एंड लव। ये बॉडी मेरा इंस्ट्रूमेंट है, ये मुझे सारा दिन कितना सहयोग देती है, एंड आई हैव बीन अब्यूजिंग दिस बॉडी, ना उसको ठीक से सुलाते हैं, ना ठीक से खिलाते हैं, कुछ भी डाल देते हैं इसके अंदर। आज से एक नया कार्मिक अकाउंट, आई वैल्यू माई बॉडी, आई रिस्पेक्ट माई बॉडी। तो शरीर के साथ कार्मिक अकाउंट, मन के साथ कार्मिक अकाउंट, कि चाहे कुछ भी हो जाए हम गलत नहीं सोचेंगे, खुद को गलत नहीं बोलेंगे। लोगों के साथ एक नया कार्मिक अकाउंट, सृष्टि, प्लैनेट, रिसोर्सेस, प्रकृति, इसके साथ एक नया कार्मिक अकाउंट, कि प्रकृति को वैल्यू करेंगे, प्रकृति की हर रिसोर्स को रिस्पेक्ट करेंगे, वेस्टेज नहीं करेंगे, एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, अब्यूज़ नहीं करेंगे। पुराने कार्मिक अकाउंट क्लोज, आज से एक नया कार्मिक अकाउंट खुद के साथ, शरीर के साथ, लोगों के साथ और सृष्टि के साथ। जब ये नए कार्मिक अकाउंट्स खुल जाएंगे तो सृष्टि पे सतयुग दिवाली तो आनी ही आनी है। ओम शांति।